आज मैं आपको दो रंग की डिजाइन बताऊंगी। नीचे मैंने एक सलाई हरे रंग की ऊन से बुनी है, उसके बाद उल्टी सलाई उल्टी तरफ से सीधी सलाई बुनी है। ये जो सीधी सलाई बुनी है वो नीली ऊन से बुनी है, उसके बाद सीधी तरफ सीधी सलाई नीली ऊन से बुनी है। उसके बाद देखिए चार सलाइयाँ हरी ऊन से बुनेंगे, ये उल्टी तरफ से शुरू करेंगे। उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, सलाई पूरी सीधी बुनेंगे। उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, उसके बाद सीधी सलाई पूरी सीधी बुनेंगे। पांचवी सलाई उल्टी तरफ नीली ऊन से पूरी सीधी बुनेंगे। देखिए अगली सलाई एक फंदा सीधा बुना, और जो उल्टी सलाई बुनी थी उसके नीचे से इस वाले फंदे के सामने नीचे से सलाई डालकर इस तरह से एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुना, और ये बुना हुआ फंदा इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। उसके बाद सात फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। उसके बाद आठवें फंदे पर नीचे से उल्टी सलाई बुनी थी उसमें से सलाई डालकर एक फंदा बुनेंगे और सीधा फंदा बुनकर उस फंदे को नए फंदे को उसके ऊपर से इस तरह से निकाल देंगे। ये यहाँ पर सात फंदे हैं, ये आठवें फंदे पर नीचे से बुना जाता है। फिर सात फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात। फिर आठवें फंदे पर इसके सामने नीचे से उल्टी सलाई बुनी थी वहाँ पर से नीचे सलाई डालकर एक नया फंदा बुनेंगे और सलाई वाला फंदा बुनेंगे। उसके बाद नया फंदा इस तरह से आठवें फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर सात फंदे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात। अब इस नीचे से उल्टे फंदे के नीचे से सलाई डालकर नया फंदा बनाएंगे और सलाई वाला फंदा बुनकर नए फंदे को उसके ऊपर से निकाल देंगे और एक फंदा बुन लेंगे।
इस तरह से देखिए डिजाइन आई है। अब हम चार सलाई उल्टी तरफ से बुनना शुरू करेंगे। चार सलाइयाँ हरी ऊन से बुनेंगे, उसके बाद में आगे डिजाइन बताएंगे। उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, उसके बाद सीधी सलाई पूरी सीधी बुनेंगे, फिर उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, सीधी सलाई पूरी सीधी बुनेंगे। इस तरह से चार सलाइयाँ बुनेंगे, उसके बाद में फिर बताएंगे। चार सलाइयाँ हरी ऊन से बुन ली हैं, अब उल्टी तरफ नीली ऊन से बुनेंगे। उल्टी तरफ नीली ऊन से पूरी सलाई सीधी बुनेंगे। सलाई सीधी बुनेंगे उल्टी तरफ। देखिए नीचे मैंने इसी तरह से उल्टी सलाई बुनी थी, उसके बाद एक सीधी सलाई बुनी थी, उसके बाद से चार सलाइयाँ हरी ऊन से बुनी थी, उसके बाद ये डिजाइन बनाई थी। अब हम डिजाइन यहाँ पर बनाएंगे। पहले हमने डिजाइन यहाँ पर बनाई थी दूसरे फंदे पर। अब हम जो सात फंदे बुने थे, बीच में जो तीन फंदे इधर तीन फंदे उधर छोड़कर बीच वाले फंदे पर डिजाइन बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद ये नीचे जो डिजाइन बनाई थी वो फंदा बुना, दो फंदे और तीन फंदे, सात फंदे जो थे बीच में उसमें से बुनेंगे। अब चौथे फंदे पर हम डिजाइन बनाएंगे। चौथे फंदे के नीचे यहाँ से फंदा नया बुनाएंगे और ये फंदा बुन लेंगे, और जो फंदा बनाया था नया उसके ऊपर से निकाल देंगे। उसके बाद फिर सात फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात। अब इसके सामने नीचे से उल्टी सिलाई बुनी थी, वहाँ से फंदा एक सीधा बुनेंगे और ये फंदा सिलाई वाला बुनकर इस फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे। फिर सात फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात। अब इस सीधे फंदे के नीचे से उल्टी सलाई जो बुनी थी उससे उसके नीचे से फंदा नया बनाएंगे और दूसरा फंदा बुनकर, ये आठवां फंदा है, बुनकर इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर बचे हुए फंदे बुन लेंगे। इसी तरह से आगे डिजाइन बनेगी। फिर चार सलाइयाँ हरी ऊन से बुनेंगे, उसके बाद दो सलाइयाँ नीली ऊन, एक इसी तरह से आगे भी डिजाइन बनाएंगे।